और चलो कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों अक्सर ऐसा होता है घर में कोई भी ऐसा काम कर रहे होते हैं और जब हमारे दिमाग से निकल जाए तो वहाँ नुकसान भी हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे टीम मेंबर के साथ हुआ। अकेले रहते हैं तो ऐसे में कई बार ऐसा हो सकता है, दूध रख के गैस पर भूल गए और पतीले की क्या हालत हुई है ये आप देख लीजिए। मतलब मैं भी हैरान हूँ, शॉक्ड हूँ। दूध तो पूरा गया सो गया पर पतीला साफ होगा कि नहीं, चलिए वो देख लेते हैं। अब आप इसे रख दीजिए गैस पर, आपको लगेगा जला तो वैसे ही है, फिर से गैस पर रखें, तो आप गैस पर रख के देखिए और मेरा कहना मानिए। अब आप इसमें डाल दीजिए पानी, पानी भरपूर डालिए। मतलब मैं अभी थोड़ा सा कम डाल रही हूँ क्योंकि बाहर निकल जाएगा, जितना जला हुआ हो एक्चुअल तो काफ़ी भर लेना चाहिए। मतलब करीब करीब 2 लीटर मैंने पानी डाल दिया है और 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया इसमें नमक, जो भी नमक हम खाने में यूज़ करते हैं। और हाँ बच्चों, इस पतीले को तो हम साफ कर ही लेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, पास लगे बेल आइकन को दबाइए, जिससे हम एक साथ जुड़े रहें और जो भी मैं आपके लिए ट्रिक बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक फौरन मिल सके। दूसरी चीज हम डाल रहे हैं इफेक्टिव, वो है मीठा सोडा, वो भी इन चीजों को गलाएगा गर्म होके। तो हमें मीठा सोडा, जो बेकिंग सोडा हम किचन में यूज करते हैं, वो डाल रहे हैं। तीसरी चीज है तो डालें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मीठा सोडा को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मेरे पास इनो का सैशे पड़ा था, जैसे आधा, जैसे कई बार हम आधा यूज करते हैं, आधा पड़ा रहता है, लगता है कि दूसरी रेसिपी में यूज होगा कि नहीं, बस वही मेरे पास पड़ा था तो वो मैंने डाल दिया है। क्या आपके साथ इस तरीके से कभी हुआ है ये भी मुझे जरूर बताइएगा। अब हम इसमें एक चौथी चीज डाल रहे हैं, कोई भी डिटर्जेंट लिक्विड या जो भी आपके पास हो जिससे आप कपड़े वगैरह धोते हो, बस अब इसको डालकर छोड़ दीजिए और इसे उबलने दीजिए। देखिए मैं हर तरफ से पानी डालती जा रही हूँ ताकि वो गीला बना रहे पतीला, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो ये और जलता चला जाएगा। पानी डले रहने से वो जलेगा नहीं, कम से कम जो कालापन है वो भी हट रहा है। और बीच बीच में आप नीचे भी थोड़ा सा कुरेद कुरेद कर देख लीजिए, मतलब उससे थोड़ा सा हटाने की कोशिश कीजिए, अपने आप हटता चला जाएगा जो काला काला नीचे है। ये देख रहे हैं आप, पीसेस निकल रहे हैं पूरे दूध के, पूरा 1 लीटर दूध जला है। सोचिए 1 लीटर दूध को जलने में गैस कितनी खराब हुई होगी और जो वो दूध पपड़ी बन गया है उसका क्या। ये देखिए जब ऊपर पानी आ जाए फिर नीचे, फिर पानी ऊपर आ जाए फिर नीचे, 2-3 बार ऐसा कर दीजिए, कुछ तो काफी सारा पीसेस नीचे निकलने की कोशिश कर ही रहा है और बाकी का हमें अभी करने की जरूरत नहीं है। अब ढककर रख दीजिए, गैस बंद कर दीजिए जब तक कि ये हमें हाथ लगाने लायक ना हो, मतलब 1 घंटा तो आप छोड़ दीजिए। पतीला बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, बहुत गुनगुना सा पानी है। अब इसको ना हम अच्छे से स्क्रैप कर लेते हैं जिससे वो जो फूल गया होगा ना सारा अंदर जला हुआ पार्ट वो निकल जाए। विस्कर ले लीजिए या खुरपी या करछी कुछ भी ले लीजिए, उससे जो भी नीचे लगा हुआ ना उसको एक बार इस तरीके से करके आप निकाल लीजिए। इससे क्या होगा, बिल्कुल बिना मेहनत के आपकी ये सफाई हो जाएगी। ये देखिए पानी देखिए और पानी के अंदर जो एक काला कचरा पड़ा है वो देखिए, हैरान हो गए ना नीचे देखकर, कितनी पपड़ी है काली, इसको हम नहीं साफ कर सकते थे। अब इस पपड़ी को अलग कर लीजिए, पानी को फेंकिए मत क्योंकि इसी पानी से हमें सफाई करनी है इस पतीले की। अब यहाँ पर आप जूना या जो भी जिससे आप बर्तन साफ करते हो वो ले लीजिए और इसी पानी से बस नॉर्मल जैसे हम बर्तन घिसते हैं ना, बस उतना ही घिसिए, आप देखेंगे वो बिल्कुल चमक जाएगा। सब तरफ से घिस लीजिए, दूसरा साबुन सरफ कुछ भी जरूरत नहीं है, बाहर भी बहुत उसकी कंडीशन खराब हो चुकी है। ऐसे में गलती कोई ना करे तो अच्छी बात है क्योंकि कई बार हादसे भी हो जाते हैं, आग भी लग सकती है। वो तो क्या, दूध उसी में ही जलता रहा, पतीला खराब होता रहा, कुछ हुआ नहीं टच वुड, तो ऐसा ना करें प्लीज। तो इसे आप इस तरीके से घिसते जाइए, अब हल्की सी मेहनत कर रही हूँ और सफाई होती चली जा रही है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि बिल्कुल चमक ही गया है पतीला। बस अब पतीले को साफ पानी से वॉश कर लीजिए, अब इसमें कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं, आपको बिल्कुल भी बिंदास होके इसी में दूध उबालिए, कुछ भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना कई दिनों तक जले बर्तन की स्मेल आती है, आप कुछ भी बनाते हो ना, चाय बनाते हो या दोबारा दूध उबालते हो तो उसमें वापस से स्मेल आ जाती है। तो आपने देखा ना, बहुत ही कम मेहनत में बस छोटी सी ट्रिक के साथ आपका ये पतीला बिल्कुल नए जैसा हो गया।